हाय एवरीवन, मैं हूँ लवली। आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल लवली किचन में। आज मैं आपको आलू की करारी भुजिया बनाना सिखाऊंगी। इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत टेस्टी लगता है। और अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे नए हर वीडियो की जानकारी आसानी से आप लोग को मिल सके। तो चलिए आलू की करारी भुजिया बनाना शुरू करते हैं। आलू की करारी भुजिया बनाने के लिए मैंने 6 से 7 आलू लिए हैं मीडियम साइज के और इसको ऐसे पतला काट लिया है, देखिए। और इसके लिए हमें चाहिए सूखी मिर्च, जीरा, मेथी, इसको तड़के में यूज करेंगे, और हरी मिर्च, लहसुन, इसको मैंने दरदरा कूट लिया है, धनिया, नमक, सरसों तेल, आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल में बना सकते हैं, और हल्दी। कढ़ाई मैंने गर्म कर लिया है, अब हम इसमें सरसों का तेल डालते हैं। मैंने 2 चम्मच सरसों का तेल डाला है और इसको अच्छे से गरम कर लेते हैं। गरम हो गया है, अब हम इसको लो मीडियम पे करके इसमें हम जीरा, मेथी और सूखी मिर्च डाल देते हैं। इसको जरा सा हम भून लेते हैं। ये जरा सा भून गया है, अब हम इसमें ये हरी मिर्च और लहसुन जो कूटा था वो डाल दिए और इसको भी हम ज्यादा सा भून लेते हैं। ये भून चुका है, अब हम इसमें जरा सी हल्दी डाल देते हैं, बिल्कुल जरा सी, और इसको हम अच्छे से इसमें मिला देते हैं। और उसके बाद हम आलू डाल देते हैं, तो मैंने कट करके रखा था, तो इसको हम अच्छे से ऐसे मिक्स कर लेते हैं। मैंने इसको मिक्स कर लिया है अच्छे से, अब हम इसमें नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच नमक लिया है, इसको हम डाल देते हैं और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम गैस को लो मीडियम पे ही रखेंगे और इसको कवर करके 5 से 6 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो चलिए चेक कर लेते हैं। इसको हम फिर कवर कर देते हैं। तो ये देखिए भुजिया बनके तैयार है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। और इसको धनिया से हम गार्निश कर देते हैं। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखिए गर्मा गर्म आलू की करारी भुजिया बनके तैयार है। आप इसको प्लेन रोटी, प्लेन पराठे के साथ खा सकते हैं, दाल चावल के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगता है और मेरे घर में भी इसको बहुत ही पसंद किया जाता है। और अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो आप लोग भी ज़रूर इसको एक बार अपने घर में ट्राई करिएगा। और प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को आलू की करारी भुजिया की रेसिपी कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।